नेक्स्ट क्लास है फोलेट एंटागोनिस्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास है फोलेट एंटागोनिस्ट। फोलेट एंटागोनिस्ट जो है ये कौन से ड्रग्स है, इसमें जो है मेनली जो ड्रग्स यूज की जाती हैं वो है क्लोट्रिमेजोल, ट्राइमेथ्रोपिन एंड सल्फामेथोक्सोल जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है जो सेप्रॉन के नाम से बहुत इन है। ये ड्रग जो है स्टॉप करती है बैक्टीरियल सेल्स को फ्रॉम यूजिंग फोलिक एसिड टू मेक डीएनए। इसका क्या मैकेनिज्म है, पहले हम मैकेनिज्म को समझते हैं कि बैक्टीरिया को फोलिक एसिड की क्यों जरूरत होती है। बैक्टीरिया जो है इसका जो डीएनए होता है इसे रेप्लिकेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए अपने डीएनए को डिवाइड करना होता है। इसके डीएनए की डिवीजन के लिए यानी कि डॉटर सेल्स बनाने के लिए इससे जरूरत पड़ती है न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियोटाइड जो है इसे बनाने के लिए जरूरत पड़ती है प्यूरीन एंड पायरिमिडिन्स की। न्यूक्लियोटाइड जो है प्यूरीन एंड पायरिमिडिन से बनते हैं। प्यूरीन में हमारे पास एडिनिन एंड गैवानिन आता है, पायरिमिडिन में साइटोसिन थायमिन एंड यूरेसिल आते हैं। एंड इन दोनों को ये जो बेसिस हैं यानी कि जो बेसिस हैं न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए के, इनको बनाने के लिए जरूरत होती है फोलिक एसिड की। ये फोलिक एसिड जो है बैक्टीरिया खुद डिराइव करता है, लेकिन ह्यूमंस में ये बाहर से हम जो है फूड में लेते हैं। ये फोलिक एसिड की जरूरत होती है। तो जब तक हमारे पास प्यूरीन पायरिमिडीन नहीं होंगे, न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड नहीं होंगे तो डीएनए की डिवीजन यानी कि रेप्लिकेशन नहीं होगी। फोलिक एसिड फोलेट एंटागोनिस्ट जो होते हैं इसे हम एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स भी कहते हैं, एंटी कैंसरस ड्रग भी कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल भी कहते हैं। बिकॉज फोलेट जो है ये हमारी सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन जो है इसको ज़्यादा करता है। तो जब हम एंटी फोलेट ड्रग्स देंगे यानी कि फोलेट एंटागोनिस्ट देंगे तो ये फोलिक एसिड की सेंथेसिस को इनहिबिट करेगा, फोलिक एसिड को इनहिबिट करेगा। डिविजन नहीं होगी, रेप्लिकेशन नहीं होगी सेल्स की, तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा। एंड एंटी कैंसरस में जब कैंसर सेल अबनॉर्मल डिविजन करते हैं तो उसमें ये इनहिबिट कर देता है सेल डिविजन को। जब फोलिक एसिड इनहिबिट होगा तो सेल डिविजन भी नहीं होगी। एंड ये एंटी मेटाबोलाइट भी हम इसे कहते हैं बिकॉज जो भी ड्रग्स जो हैं जो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स को इनहिबिट करते हैं, इसकी सेंथेसिस को डिक्रीज करते हैं, उन्हें हम एंटी मेटाबोलाइट ड्रग देते हैं बिकॉज ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स हैं। एंड फिर है सल्फामेथोक्सोल। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है जो कि इसके कॉम्बिनेशन से बनता है सल्फामेथोक्सोल एंड ट्राइमेथोप्रिम से। सल्फामेथोक्सोल जो है सल्फामेथोक्सोल एक्ट करता है डायहाइड्रोफोलिक एसिड। डायहाइड्रोफोलिक एसिड क्या है इसका आगे हम साइकिल पढ़ेंगे। डायहाइड्रोफोलिक एसिड जो है ये फोलिक एसिड का डेराइवेटिव है जो कि कन्वर्ट होता है टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। एंड टेट्राहाइड्रोफोलिक जो होता है ये प्यूरीन एंड पायरिमिडीन बना, यानी कि फोलिक एसिड की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है डायहाइड्रोफोलिक एसिड, एक होती है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। डायहाइड्रोफोलिक एसिड को कन्वर्ट करना होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में एंड देन ये प्यूरीन एंड पायरिमिडीन बनाने में हेल्प करता है जो कि फिर डीएनए एंड आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक बनते हैं उनको बनाते हैं। डायहाइड्रोफोलेट सेंथेस जो है ये एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है डायहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। मैनी ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या होता है कि डायहाइड्रोफोलिक एसिड जो है ये सेंथेसाइज होता है पी अमाइनो बेंजोइक एसिड पाबा से। एंड सल्फोनामाइड्स जो है ये सिंथेटिक एनालॉग्स हैं यानी कि सल्फामेथोक्सोल क्लास है सल्फोनामाइड्स की, सल्फोनामाइड्स की क्लास से बिलोंग करता है। ये एनालॉग है पाबा के और ये इसके साथ कम्पीट करते हैं बैक्टीरियल एंजाइम के साथ, बैक्टीरियल एंजाइम के लिए कम्पीट करते हैं पाबा के साथ डायहाइड्रोपेट्रोइड सिंथेस बनाने के लिए। यहाँ पे आगे हम साइकिल पढ़ेंगे फिर आपको सही से क्लियर हो जाएगा पॉइंट। देन ट्राइमेथोप्रिम है, ट्राइमेथोप्रिम जो है ये प्रिवेंट करता है कन्वर्जन ऑफ डायहाइड्रोफोलेट टू टेट्राहाइड्रोफोलिक। एक्चुअली में सल्फामेथोक्सोल जो है ये सिर्फ डायहाइड्रोफोलेट पे एक्ट करता है यानी कि इसे ये डायहाइड्रोफोलेट बनने नहीं देता है। पहले डायहाइड्रोपेट्रोइक एसिड होता है उसे डायहाइड्रोफोलिक यानी कि पाबा को डायहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होने नहीं देता। एंड टाइम में तो फिर जो है ये डायहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो इनहिबिट करता है ट्राइमेथोप्रिम जो है ये एंजाइमेटिक रिएक्शन को इनहिबिट करता है। अल्टीमेटली ये डिक्रीज करता है अवेलेबिलिटी ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, जब कम होगा प्यूरीन एंड पायरिमिडीन नहीं बनेंगे। यहाँ पे अब हम मेन साइकिल पे आ जाते हैं। यहाँ पे है पिट्रिडीन प्लस पावा।
ये कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोपेट्रोइक एसिड में पहले थ्रू एंजाइम डाइहाइड्रोपेट्रोल सिंथेस से। सल्फोनामाइड ड्रग यहाँ पे एक्ट करती है इसके साथ कंपीट करने के लिए ताकि ये डाइहाइड्रोपेट्रोइक एसिड में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि जब डाइहाइड्रोपेट्रोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली फिर कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में। सो ये डाइहाइड्रोपेट्रोइक एसिड डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होगा जब इसके साथ ग्लूटामेट रिएक्शन करेगा एंड डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज एंजाइम। अब ये सिंथेज एंजाइम है, सो मोस्टली ये वाले स्टेप जो है इतना जरूरी नहीं है, हम इस स्टेप पे फोकस करेंगे। सो सल्फोनामाइड ड्रग जो है ये यहाँ पे एक्ट करती है, इसे इनहिबिट करती है, सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करती है ताकि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड ना बने। ओके, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनने नहीं देती, सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। एंड ट्राइमेथोप्रिम जो है यानी कि पायरीमेथामिन, ये ट्राइमेथोप्रिम जो है ये इनहिबिट करती है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी ताकि ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो। एंड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है ये फिर को फैक्टर बन जाता है फॉर प्यूरिन एंड पायरामिडीन्स के लिए। सो ये तो एंजाइम इसमें इंपॉर्टेंट है कि सल्फोनामाइड ड्रग किस पे एक्ट करेगा एंड ट्राइमेथोप्रिम किस पे एक्ट करेगा। इसमें जो है ये ड्रग्स डिफरेंट आ जाती हैं, सल्फोनामाइड है, सल्फामेथोक्सोल है, सल्फाटेटामाइड है, सल्फानिलामाइड है, सल्फाडाइजीन है। ये सारी सल्फोनामाइड क्लास से बिलोंग करता है। सल्फामेथोक्सोल बेसिकली सेप्ट्रॉन के नाम से है एंड सल्फाडाइजीन जो है क्विंचक्रीन के तौर पे होती है। एंड हमेशा हमने जब भी ये ड्रग्स हम देंगे ओरली अगर हम दे रहे हैं तो हमने इससे पहले G6PD जो है वो चेक कर लेना है। G6PD जो है ये हम इसीलिए चेक करते हैं कि कहीं इस पेशेंट को पहले से ही जो है सेल डिवीजन अगर बहुत ज़्यादा इनहिबिट हो गई, यानी कि एनीमिया है, RBCs कम है, पहले से ही उन्हें एनीमिया है और हम फिर ये वाली ड्रग्स भी दे दें, एंटीफोलेट भी दे दें, तो ये मज़ीद उनके जो ब्लड लेवल होगा उसे और भी इनहिबिट करेगी, क्योंकि RBCs जो है वो भी सेल डिवीजन से बनते हैं एंड एंटीफोलेट जो है ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करेंगे। हमने इससे ये ड्रग्स देने से पहले G6PD जो टेस्ट होता है ये हमने चेक कर लेना है कि कहीं उस पेशेंट को पहले से ही तो वो सेल डिवीजन जो है उसमें इनहिबिट नहीं हुई, यानी कि उसे जो है पहले से ही एनीमिया वगैरह तो नहीं है। अगर एनीमिया है तो फिर उसके मुताबिक हम डोज एडजस्ट करके देंगे या फिर ये नहीं देंगे, कंट्राइंडिकेटेड होंगी। फिर है एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है। सो एडवर्स इफेक्ट जो है ये किडनी से एलिमिनेटेड होता है, सो इसीलिए ये रिनल डैमेज कर सकता है। सो इसमें हमने डोज एडजस्ट करना होगा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में, सॉरी इसमें हमने डोज एडजस्ट करना होगा क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक है। फिर है क्रिस्टलूरिया जो है ये मेजर साइड इफेक्ट है सल्फोनामाइड का, ये आपने याद रखना है क्रिस्टल क्रिस्टल बन जाते हैं, इसे हमने विटामिन सी जो है इसके साथ यूज नहीं करना क्योंकि ये एसिडिफाई कर देता है यूरिन को, क्रिस्टल यूरिया हो जाता है एंड यानी कि क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हम कहते हैं कि जब एबनॉर्मली लार्ज आरबीसीज फॉर्मेशन होती है एंड ल्यूकोपिनिया हो जाता है, यानी कि ल्यूकोसाइट काउंट काउंट कम हो जाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगी, ये क्लोट्रिमाजोल के साथ होता है। एंड इसमें जो मोस्ट इसका वो है कर्नेक्टेरिस। कर्नेक्टेरिस जो है ये बेसिकली टाइप है ब्रेन डैमेज का, इसमें इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो जाता है। इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज इसमें किस वजह से होता है, हाई बिलिरुबिन की वजह से होता है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया की वजह से होता है, जब ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड ये क्रॉस कर देता है ब्लड ब्रेन बैरियर को एंड ब्रेन को डैमेज कर देता है, और इसका जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, इसे हम कार्नेक्टेरिस कहते हैं। सल्फा ड्रग जो है ये अवॉइड करते हैं हम इसे न्यू बोर्न एंड इन्फेंट्स में लेस देन 2 मंथ ऑफ एज के, क्योंकि उनका ब्रेन अभी तक डेवलप हो रहा होता है और अगर उन्हें हम ये दे दें तो हाई बिलिरुबिन की वजह से ये इनहिबिट हो जाएगा, उनका जो ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है। एंड साथ साथ में हम इसका कुछ और जो पॉइंट्स हैं वो बता देते हैं कि इससे एलर्जी भी हो सकती है और ये प्रेगनेंसी में मोस्टली कंट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि फीटल की ग्रोथ नहीं होगी एंड इससे मिसकैरेज हो सकता है। एंड इसके साथ साथ ये है कि एक और पॉइंट है कि जैसे कि हमने शुरू में बात की कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खुद डिराइव करते हैं ये फोलिक एसिड एंड जो
ह्यूमंस होते हैं उसमें ये फोलिक एसिड जो है खुद नहीं बनता है, बल्कि हमें बाहर से फूड में लेना होता है, और जो हम फूड में लेते हैं वो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड के फॉर्म में होता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के फॉर्म में नहीं होता। सो फिर हम जब ये ले लेते हैं तो उसके बाद इसमें कन्वर्ट होना होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। एंड इसके साथ साथ ये है कि ये हम यूटीआई, स्किन, बॉन्स, आई ड्रॉप्स के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड जब सेवियर एनीमिया हो जाता है, यानी कि अगर कोई पेशेंट जो है उसने एंटी फोलेट पे वो है, यानी कि एंटी मेटाबोलाइट ड्रग ले रहा है वो, एंड उसका जो है उस पर बहुत ज़्यादा सेवियर इफेक्ट हो गया है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन जो यूज़ होता है फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि वो फोलिक एसिड को इनहिबिट कर देता है, सैट डिवीजन इनहिबिट हो जाती है, तो उनका जो है वो वहाँ से जो फीटस होता है वो रिमूव किया जाता है। सो अगर किसी भी ऐसे एंटीफोलेट ड्रग की वजह से हाईली एनीमिया हो जाता है किसी को, तो हमने फिर उसका एंटीडोट देना होता है, यानी कि एंटीफोलेट का जो एंटीडोट है वो क्या होगा। सो इसका जो एंटीडोट हम देंगे वो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की फॉर्म में हो सकता है, यानी कि हम उनके फूड में फोलिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें तब भी रिप्लेस हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी हाई सेवियर कंडीशन आ गई है कि उससे भी वो रिप्लेस नहीं हो सकता है, सो उस केस में फिर हम टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के फॉर्म में देते हैं। एंड ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वेरी एक्सपेंसिव ड्रग है, इंजेक्शन होता है फोलिनिक एसिड का, ये इंजेक्शन होता है फोलिनिक एसिड का, फोलिनिक एसिड का इंजेक्शन होता है ये बेसिकली, एंड इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के होता है। एंड इसका जो वो नेम है, ब्रांड नेम है, वो है लिकोबरीन, लिवो कैरीन इसका ब्रांड नेम है। सो ये फिर हम दे सकते हैं एज अ एंटीडोट। इसके अलावा इसमें और बाकी पॉइंट्स नहीं रहे हैं। सो ये एंटीबायोटिक चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।